स्टैंडर्ड 10 हिंदी व्याकरण सम डिवीजन वर्क आई एम गिविंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। नंबर 1, धन से संबंधित जो शुद्ध न किया गया हो। आत्मा परमात्मा संबंधी जिसकी इच्छा की जाए, जो चांदी जैसा सफ़ेद हो। नीचे लिखा, जिसकी कोई शक्ल सूरत ना हो, बिना विवाद के जल्दी चलने या जाने वाला। 10 नंबर, जंगल की आग। 11 नंबर, किसी लेख की नकल। 12, धनुष की रस्सी की आवाज़। 13, जो किसी समुद्र या नदी के किनारे स्थित हो। नंबर 14, पिता की हत्या करने वाला। 15, युगों से चला आने वाला। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध कीजिए। अनुकूल, सम्मान, यज्ञ, विष्टि, कृपा, क्षमा, पढ़ाई, वार्षिक, स्थाई, अत्यधिक, उपलक्ष, दांत, झूठ, उज्ज्वल, नीरस, भविष्य, प्रवेश, सन्यासी, आदरणीय, श्रेष्ठ। नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित शब्दों के सही विलोम शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, प्रकृति चेतन है - नहीं। 2 नंबर, दाता - ईश्वर के सामने मनुष्य - होता है। नंबर 3, धातुएं ठोस होती है, रसायन - होते हैं। ठोस के नीचे अंडरलाइन करें। नंबर 4, गंगा का निर्मल जल आज - हो गया, निर्मल के नीचे अंडरलाइन। नंबर 5, प्रातःकाल दिनकर - दिनकर के नीचे अंडरलाइन दिखाई देता है, रात को - इसको आप कॉपी में लिख लीजिए। और मैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का पोर्शन भी दे रही हूँ। सेक्शन ए, सरस हिंदी व्याकरण, पेज नंबर 220 to 224, भावाचक शब्द। पेज नंबर 237 to 244, विशेषण शब्द बनाना। पेज नंबर 251 to 256, पर्यायवाची शब्द। पेज नंबर 259 to 265, विलोम शब्द। पेज नंबर 266 to 268, अनेकार्थी शब्द। पेज नंबर 311 to 321, मुहावरे एंड लोकोक्तियाँ। देन यथा निर्देश वाक्य परिवर्तन करना। आप पठित गद्यांश, स्टोरी राइटिंग, पिक्चर राइटिंग, एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, फॉर्मल इनफॉर्मल। सेक्शन बी, साहित्य सागर। लेसन नंबर 6, 7, 9, 10 प्लस वर्कबुक। लेसन नंबर 8 ओमिट। एकांकी संचय, एक्ट 5 and 6 प्लस वर्कबुक। थैंक यू चिल्ड्रन। आप इसे अपनी को डायरी और जो व्याकरण के अभ्यास दिए गए हैं उनको कॉपी में, व्याकरण कॉपी में लिख लीजिए। मैं इसका आंसर ऑडियो के द्वारा आप लोग को बतलाऊंगी।